रायशनगर के ग्राम पंचायत 43 पीएस के गांव 41 पीएस के ग्रामीणों में रायशनगर बीडीओ सरपंच ग्राम सचिव का उस समय घेराव कर दिया जब वे किसी प्रोग्राम में शिरकत करने आ रहे थे। ग्रामवासी पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच पति 41 पीएस को पानी देने से बार बार मना कर रहा था, जिससे आज परेशान होकर ग्रामीणों ने इनका घेराव कर दिया। जलदाय विभाग के कर्मचारी को जनता ने खरी खोटी सुनाई। समझाकोटी थाना क्षेत्र के गांव 41 पीएस में जलदाय विभाग के एएन जयन और ग्राम विकास अधिकारी के साथ मारपीट करने व बंधक बना अंदर बंद करने की खबरें जोरदार फैली, लेकिन बाद में ऐसी कोई पुष्टि सही तरीके से नहीं हो पाई। तो वहीं रिपोर्ट एक्सक्लूसिव को मिला एक वीडियो में ग्रामीणों का गुस्सा साफ देखा जा सकता है। वहां से मिली जानकारी के अनुसार मामला पेयजल आपूर्ति को लेकर बताया जा रहा है कि पिछले काफी समय से ग्रामीण पेयजल की आपूर्ति की सही ढंग से करने की मांग कर रहे थे, लेकिन पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। जानकारी के अनुसार गांव में पेयजल पाइपलाइन कहीं ऊपर तो कहीं नीचे स्थित है, जिसके चलते आधी आबादी तक पानी पहुंच पाता है तो वहीं आधी आबादी तक नहीं पहुंच पा रहा है। जब इस संबंध में पुलिस से संपर्क किया गया तो पुलिस को भी सूचना अभी मिली ही थी, जिसके चलते समेजा थाना पुलिस 41 में हुए विवाद स्थल पर पहुंची थी। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जलदाय विभाग के अधिकारियों, ग्राम विकास अधिकारी व अन्यों के साथ मिलकर जो ग्रामीणों की गहमा गहमी हुई थी, लेकिन अभी विकास अधिकारी, थाना अधिकारी, समेजा कोठी व अन्य अधिकारियों की मध्यस्थता से मामला सुलझा दिया गया है। हालांकि इस मामले में काफी कुछ अफवाह तो काफी सच्चाई का बवंडर अभी भी बना हुआ है। ग्रामीणों की मांगों पर सहमति बन चुकी है, ऐसी खबर अभी निकल कर आ रही है। राजस्थान से जुड़ी हर खबर सबसे पहले प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रिपोर्ट एक्सक्लूसिव और पाएं राजस्थान की हर छोटी बड़ी हलचल बस एक क्लिक में सीधे आपके।